नमस्कार, जय हिंद साथियों। सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट हुए साल भर में, चार ही टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जो सबसे बड़े टूर्नामेंट है, और उन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक, यहाँ पर विजेता और उपविजेता दोनों का नाम दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3 पदक पूरे इतिहास में जीता है, उसमें से 2 अकेले एक ही इंसान ने जीते हैं, वो है नीरज चोपड़ा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आइस अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, और हम लोग लगातार यूट्यूब पर बने हुए हैं अलग अलग माध्यम से, अलग अलग इवेंट्स के साथ, और ऐसे ही स्टार्ट किया है करंट अफेयर के लिए, जिसमें हमने 4-5 वीडियो पहले कर लिए हैं, है ना। आशा है कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होंगे, और आशा है कि आप उसका एक अच्छा नोट्स बना करके उसको आप कॉपी में लिखें, है ना, और या तो उसको बार बार देखें उस वीडियो को और रिवाइज़ करें, क्योंकि समय कम है, और ऐसी स्थिति में कम चीज़ें पढ़ के अगर आप अच्छा नंबर ले आ सकते हैं तो वो सारे प्रयास आपको करने चाहिए। ठीक है, इस समय पर ज़्यादा मत भागिए कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तुमने क्या पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसके चक्कर में मत रहिए। कम से कम चीज़ें कीजिए, और जितनी चीज़ें कीजिए उसको इतने अच्छे से कीजिए कि उससे अगर कोई, उस सेगमेंट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे ना छूटे। ठीक है, और यही प्रयास हमारा करंट अफेयर में भी है, क्योंकि साल भर में करंट अफेयर आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये मोर देन इनफ है, कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया है तो ये इतना ही आएगा। अभी क्लास में करंट अफेयर करा भी रहे हैं तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि इसी में से पूरा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और इसीलिए आप यहाँ पे जो हो रहा है चीज़, या जो आपके पास मटेरियल जितना भी आप अभी तक आपने जमा किया है वो 100% कीजिए। इसके अलावा आप भागिए मत कि मुझे ये भी बच गया था, ये छूट गया था, तो है ना, किसी का दूसरा देखा सीखी या किसी दोस्त से पूछ लिया कि तुमने क्या पढ़ा है, तो उसने कह दिया कि मैंने ये पढ़ा है, तो आपको लगा कि अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में मत फंसिएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो आपका पहला पढ़ा पुराया चीज़ है वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा, है ना, और एक अलग सा जो डर आ जाता है कि अरे यार हमने तो पढ़ा नहीं है तो तैयारी अच्छी नहीं, ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, और सिर्फ कीजिए उतना जितना आपके पास हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ नया पढ़ने का नहीं है। आप जो अभी स्पोर्ट्स इवेंट पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है स्पोर्ट्स इवेंट का है, तो उसमें भी कुछ मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। आपने अगर साल भर तैयारी की है तो सारे इवेंट आपके दिमाग के नीचे से कहीं ना कहीं निकले होंगे। ये वीडियो जस्ट एक रिवाइज वीडियो होगा, अगर कुछ छूट गया है आपसे तो फिर यहाँ से वो चीज़ फिर से हो जाएगा, ये है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट हुए साल भर में, ये नेशनल और इंटरनेशनल के लेवल के हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला आज का जो टॉपिक है वो है ग्रैंड स्लैम से। देखिए, ग्रैंड स्लैम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेनिस में बहुत सारे अलग टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन चार ही टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जो सबसे बड़े टूर्नामेंट है, और उन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। ठीक है, तो आपको टेनिस से यहाँ वहाँ भागना नहीं है, सिर्फ चार ग्रैंड स्लैम से ही याद रखनी चीज़ें, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप ज़्यादा मत भागिएगा। तो ध्यान रखते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस के बारे में 2023। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है, इसमें क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, मतलब सबको ओपन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, ये 4 क्रम है, याद रखिएगा, अभी भी क्रम भी पूछा है तो आपने याद रख सकते हैं। अफवाह एक शॉर्ट ट्रिक में, ए से है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर अमेरिकन ओपन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए और ए नीचे भी है, तो यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन जो है वो सबसे आखिर में होता है साल के। ठीक है, तो चारों बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और चारों में आपको क्रम याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ठीक है अमेरिकन ओपन। ठीक, चलिए, तो ये 4 क्रम है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के द्वारा इसको कराया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। ठीक, याद रखिएगा, यही संघ है जो सारे ग्रैंड स्लैम का आयोजन करता है। ठीक, नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच ने सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी पूरे जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें अगर पुरुषों की बात करें तो सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। ठीक है, अगर महिला एकल की बात की जाए तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है मार्गरेट कोर्ट को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं में मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की, और नोवाक जोकोविच जो है
सर भी आगे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स है, जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है वो जीता है। मतलब पर्सनली सिंगल जो इवेंट होते हैं उसमें 23 सेरेना विलियम्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, ये इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से टूर्नामेंट जो है वो किस प्रकार के, कहाँ पर कोर्ट होता है, कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है, जो कि हार्ड कोर्ट में होता है। ये जो ग्रीन वाला ब्लू वाला दिख रहा है वो हार्ड कोर्ट है, ठीक। फ्रेंच ओपन मई और जून में होता है, जिसमें आपको क्ले कोर्ट दिया जाता है खेलने के लिए। क्ले कोर्ट मतलब का जो बजरी मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें खेला जाता है, ठीक। विंबलडन जून और जुलाई के आसपास होता है, यहाँ पर ग्रास कोर्ट यूज़ किया जाता है, जो ग्रास वाले कोर्ट है ना, घास के मैदान वाले, इसमें होता है। और यूएस ओपन जो होता है ये भी हार्ड कोर्ट में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट में, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में, ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस ओपन दोनों ही हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इन चारों में से कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें ड्रेस कोड लागू होता है। ड्रेस कोड का मतलब, जैसे टेस्ट मैच का ड्रेस कोड होता है कि आपका वाइट ही रहेगा, ठीक। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो विंबलडन है, विंबलडन वहां पर वाइट ड्रेस कोड होता है, वाइट। तो सारे लोग इसमें जो इवेंट में भाग लेते हैं वो किस कलर का कपड़ा पहनते हैं, वाइट कलर का कपड़ा यहां पर कैरी किया जाता है, ठीक है। चलिए शुरुआत डेट वगैरह दिया गया है, जिसमें सबसे पुराना है ग्रास कोर्ट वाला, ठीक है, विंबलडन ओपन 1877 में, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको किसी का डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे पुराने में विंबलडन है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, काफी। आगे देखते हैं, जो इस साल के सारे विजेता हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें आपको दो कैटेगरी याद रखना है, एक तो पुरुषों में और दूसरा महिलाओं में, ठीक। यहाँ पर विजेता और उपविजेता दोनों का नाम दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ ये 8 नाम ध्यान रख लीजिए जो जीते हैं, है ना, और हारने वाला का छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत याद करने का मन ही है तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछेगा तो यही। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, नोवाक जोकोविच, फिर यूएस फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच। तो शुरुआत के दोनों बड़े इवेंट किसने जीते थे, नोवाक जोकोविच ने जीते थे, ठीक, पुरुष ओपन में। फिर विंबलडन जो 2023 का था उसको जीता है कार्लोस एल्कराज ने। कार्लोस जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, मैंने नोवाक के बारे में बताया था कि वो सर्बिया के हैं, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक। और इसके बाद जो आखिरी वाला भी है उसको भी किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। तो चार में से तीन इवेंट तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ले गया है, नोवाक जोकोविच। तो इम्पोर्टेंट ये हो सकता है किस टूर्नामेंट को उसने नहीं जीता है, तो विंबलडन को, ठीक है। तो यहाँ पर नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, इसमें सब में नाम आ रहा है, विंबलडन में सिर्फ आएगा कार्लोस एल्कराज का जो स्पेन के हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा ये तीनों के बारे में। इसके अलावा महिला विजेताओं की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन में है बेलारूस की आरियाना सबालेंका, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लेगा स्वेत्विक, उसके बाद मार्कडेटा बोंडर्सवोवा जो कि चेक गणराज्य की है, और कोको गाफ जो कि यूएस की। ये लगातार जो चार इवेंट हुए वहाँ के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आरियाना सबालेंका, ठीक है। फ्रेंच ओपन में ईगा स्वेत्विक, ठीक है। विंबलडन में मार्कडेटा याद रख लीजिएगा, बस एक नाम, और यूएस ओपन में कोको गाफ जो कि यूएस की ही प्लेयर है, ठीक है। इसमें अपने हिसाब से जो भी आपको ट्रिक लगे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बड़ा नाम नहीं है। अगर आपने स्पोर्ट्स इवेंट साल भर देखे हैं तो आपको ये नाम याद रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब है ना, खिताब तो खैर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसके उपविजेता बने हैं, मतलब इसमें जो सेकंड पोजीशन पर रहे रनर अप, उसमें हमारे देश के रोहन बोपन्ना शामिल थे और इनके पार्टनर मैथ्यू एब्डन जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। जो मिक्स जो डबल्स युगल वाला जो इवेंट होता है यूएस ओपन में, उसमें रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी को जो है वो सेकेंड रैंक मिला था या रनर अप रहे थे, इतना याद रख लीजिएगा तो आपके लिए ये इवेंट काफ़ी है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, ये भी इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है। आजकल भारत का
हर सेगमेंट, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल ही क्यों ना हो, उसमें सब में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हमारी टीम कर रही है। हर टीम, ओलंपिक की बात करें, एशिया कप, एशिया उसकी बात करें, तो अलग अलग इवेंट में लगभग सारे में भारतीय जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसीलिए इस साल बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस है इससे। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन हुआ था 19 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में, कहाँ पर? बुडापेस्ट हंगरी में। ध्यान रखिएगा, बुडापेस्ट कहाँ पर है? हंगरी में है, ठीक। विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित यह एक द्विवर्षीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। एथलेटिक्स का मतलब जो ग्राउंड पर खेले जाते हैं, जैसे जेवलिन थ्रो हो गया, रनिंग हो गया, ठीक, स्क्वैट हो गया, और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारे के जो इवेंट आते हैं वो एथलेटिक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये द्विवार्षिक है, मतलब दो साल में एक बार ही होता है, ध्यान रखिएगा। अभी कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इसका प्रथम आयोजन हुआ था 1976 में स्वीडन में। हालांकि इस टाइप के आने के क्वेश्चन जो है, चांसेस जो है कम है कि इतना अंदर से पूछे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि प्रथम आयोजन जो था स्वीडन में हुआ था 1976 में। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 28 भारतीय एथलीटों ने क्वालिफाई किया था। कितने लें? 28, मतलब टोटल हमारी जो टीम थी वो कितों की थी? 28 मेंबर्स की हमारी टीम यहां से गई थी। और हमारा नेतृत्व किया था किसने? तो नीरज चोपड़ा, जो हमारे देश के एक बहुत बड़े जेवलिन थ्रोवर है, उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ खास था। प्रदर्शन की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 से भारत ने सिर्फ एक पदक जीता है। कितना? एक पदक। और पदक तालिका में हम रहे थे 18वें स्थान पर, ठीक। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के साथ ही वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। मतलब हमने इतने साल के इतिहास में 76 से लेकर के आज तक एक भी बार स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में नहीं जीता था, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी, जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े सितारे हैं, ठीक है, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, सीखने लायक व्यक्तित्व है, उनकी जो स्टेमिना है, उनके कार्य करने की शैली है, और उनका जो प्रयास है लगातार हर मैच बाई मैच बदलते रहा है, और वो हमेशा इम्प्रूव करते हैं अपने आप को और लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा के बारे में ध्यान रखना कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और ऐसा करने वाले वो भारत के प्रथम, ठीक, खिलाड़ी बने। अगला, नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये तालिका दी गई है कि फर्स्ट रैंक पर कौन था? यूनाइटेड स्टेट, 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9, मतलब 29 टोटल के साथ वो टॉप पर रहे थे। इसके बाद कनाडा है, उसके बाद स्पेन है, ठीक है। तो बस रैंकिंग याद रख लीजिएगा आप, यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, फिर कनाडा और फिर स्पेन, या तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन याद रखिए काफ़ी है, और भारत का स्थान था 18वां, 18 पोजीशन। तो फर्स्ट में यूएसए और 18 में कौन था? भारत था, एक स्वर्ण के साथ, मतलब टोटल एक, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कुछ नोट्स भी हैं, देख लेते हैं। भारत ने अभी तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल 3 पदक जीते हैं आज तक, सोचिए, मतलब पूरे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने अभी तक केवल और केवल कितने पदक जीते हैं? 3। और 2023 में जीता था स्वर्ण पदक, मतलब इसी साल, और 2022 में जीता था एक रजत पदक, उसको भी नीरज चोपड़ा ने, मतलब 3 पदक पूरे इतिहास में जीता है, उसमें से 2 अकेले एक ही इंसान ने जीते हैं, वो है नीरज चोपड़ा। और 2023 में फ्रांस में जब आयोजन हुआ था तो एक कांस्य जीता था अंजू बाबी जॉर्ज जी ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 3 पदक जीता है आज तक भारत ने, 2 तो नीरज चोपड़ा ने जीता था और एक अंजू बाबी जॉर्ज, जो कि लॉन्ग जंप वाली प्लेयर रही है भारत की, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ठीक है। हमारे यहाँ खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ऐसे अलग अलग कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें से एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो 2022 का है, ठीक है, याद रखिएगा। और थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आयोजन कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था, ठीक है। शुभंकर क्या था इसका? जीतू। यह उत्तर प्रदेश का जो स्वैप डियर है, एक प्रकार का बारहसिंघा होता है, ठीक है, वो उसका डमी है, और यही उसका शुभंकर भी था, ठीक है। शुभंकर मतलब मस्कट। और यहाँ पर टोटल 21 खेल श्रेणियों में 200 से अधिक विश्वविद्यालय के लगभग 4,750 से अधिक एथलेटिक्स लोग ने भाग यहाँ पर लिया था। हालांकि एथलेटा इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस ध्यान रखना कि लगभग 200 से ऊपर 21 खेल श्रेणियों में विश्वविद्यालयों के लोगों ने भाग लिया था। पंजाब विश्वविद्यालय ने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य के साथ ही इसमें टॉप किया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेटा है, 26 स्वर्ण के साथ जो है पंजाब विश्वविद्यालय ने यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो पहले स्थान पर है पंजाब विश्वविद्यालय 26 स्वर्ण के साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग, पहला जो है जैसे आईपीएल होता है वैसे इंडियन प्रीमियर, वैसे वुमेन प्रीमियर लीग था, पहला संस्करण था मार्च 2023 में हुआ था। टोटल 5 टीमें थी यहां पर, तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कौन सी टीम यहां पर नहीं थी ऐसा पूछ सकता है। तो दिल्ली कैपिटल्स मतलब दिल्ली, गुजरात, मुंबई, ठीक है, बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स, ये 5 टीमें यहां पर शामिल हुई थी, दिल्ली, गुजरात, मुंबई, बेंगलुरु और यूपी, ये 5 राज्य ऐसे मान सकते हैं आपके 5 राज्यों के प्लेयर थे। ठीक, याद करने के लिए, आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आयोजन स्थल है मुंबई, ठीक है, और जो फाइनल मैच था, सॉरी ये जो वेन्यू है वो फाइनल मैच का है, और ये आयोजन हुआ था मुंबई में, और किसके किसके बीच, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जहाँ पर मुंबई इंडियंस ने इसको जीता। ठीक है, मुंबई इंडियंस, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी पहला खिताब जो है मुंबई इंडियंस जीता है, और आईपीएल में राजस्थान के पास था और यहाँ पर मुंबई के पास। नेक्स्ट, यहाँ पर ऑरेंज कैप मिला किसको, मैग लैनिंग को, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की थी। ठीक, पर्पल कैप मिला है हेली मैथ्यूज को, जो कि मुंबई इंडियंस की प्लेयर है। ठीक है, और फेयर प्ले अवार्ड जो है वो दिल्ली की टीम को मिला है, फेयर प्ले मतलब अच्छा खेलने के लिए दिल्ली टीम को अवार्ड मिला है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सेशन तो यास्तिका भाटिया मुंबई इंडियंस की, हालांकि इतना डीप से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। आप ये दो नाम याद रख लीजिए, ऑरेंज कैप मेग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स और पर्पल कैप हाइली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की, बस। ठीक है, नेक्स्ट, नौवा महिला फीफा विश्व कप 2023, ये फीफा विश्व कप है, ध्यान रखिएगा, फीफा मतलब फुटबॉल वाला, नौवा नंबर का। टोटल इसमें 32 टीमें भाग लेती है फीफा के वर्ल्ड कप में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, यहाँ पर 32 टीमें थी। आयोजनकर्ता ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों मिलकर के पास पास में है दोनों, तो दोनों मिलकर के इस आयोजन को अंजाम देते हैं। ठीक है, फाइनल मैच में स्पेन और इंग्लैंड की टीम पहुंची थी, स्पेन और इंग्लैंड, और यहाँ पर सिडनी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में ये फाइनल मैच का आयोजन किया गया था, जहाँ पर विनर रही स्पेन की टीम। ठीक है, जिन्होंने इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, तो नौवा महिला फीफा विश्व कप किसने जीता था, स्पेन ने किसको हरा करके, इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि ये भारत में हुआ था। तो 15वां मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 आयोजन जनवरी में 2023 में हुआ था, और आयोजन स्थल ओडिशा। ठीक, यहीं पर लगभग सारे हॉकी इवेंट्स आजकल होते हैं, ध्यान रखिएगा। नवीन पटनायक ने, जो उड़ीसा की सरकार है, उसने हॉकी को अडॉप्ट किया है और उसको ऊपर उठाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, टोटल टीमें 16 थी, विनर रहा जर्मनी, जिसका ये थर्ड टाइटल रहा, और रनर अप थी बेल्जियम की टीम। तो जर्मनी ने क्या किया है, 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को जीता है। ठीक है, जो कि आयोजित हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें नोट याद रखिएगा, 16वां मेंस हॉकी जो वर्ल्ड कप है 2026 में होने वाला है, कब, 2026 में, और ये आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। ठीक है, अभी हुआ था भारत में और अब ये बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो एशियाई खेल 19वां नंबर का था, वो आयोजन कहाँ पे हुआ था, हांगझोउ चाइना में, कहाँ पर, हांगझोउ चाइना में। इसमें भारत रहा था चौथे स्थान पर, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन था, पहली बार भारत 100 पदकों के पार गया था। भारत के कुल पदक 107, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, ये बड़ा इवेंट है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, 28, 38, 41 107, ठीक है, 107 ही होना चाहिए, 8, 1, 9, ठीक 107 ही हो रहा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
पहले स्थान पर चीन, जिसने टोटल 383 पदक अपने नाम किए थे। ठीक, चाइना लगभग सब चीज़ में आगे ही है, तो अभी भी आगे चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी उनको पीछे कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत को 107 पदक और चौथा स्थान, पहला स्थान पर चीन, आयोजन हांगझाऊ चाइना में। ठीक, नेक्स्ट, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, एशिया पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खिताब भारत ने श्रीलंका को हरा करके जीता था। ठीक है, तो ये खैर छोटा इवेंट था, उतना खास नहीं है, आगे देखते हैं। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप, तो कोई भी चीज़ जब पहला होता है तो पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ध्यान रख लिए, भारत। ठीक है, इंग्लैंड को हरा करके भारत ने ये खिताब जीता था, याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट, अभी क्रिकेट में हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लगभग, हालांकि वर्ल्ड कप हम लोग हार गए, एक ही मैच गलत हुआ हमारे साथ, वो है फाइनल का, तो खैर आगे से देखते हैं। सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको जीता है भारत ने। ठीक, अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीता है, भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था भूटान में। ठीक, कहाँ पे? भूटान। ठीक, ये छोटा वाला कप है थोड़ा सा, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट, आईसीसी पुरस्कार विजेताओं की सूची, यहाँ पर हर साल जो है आईसीसी अपने बेस्ट प्लेयर बेस्ट बॉलर ऐसे करके देता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस साल किसको मिला है। वैसे ये जो आईसीसी पुरस्कार विजेताओं की सूची है वो 2022 की है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 23 की जो वोटिंग है अभी तक जारी है ना, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, अभी जस्ट आने वाला है, और ये जो अभी सूची पढ़ोगे 2022 की है, अगर पेपर अपडेट हो जाता है, ठीक, मतलब कुछ एक हफ्ते में, तो आप इसको एटलीस्ट देख लीजिएगा। पैट कमिंग्स जो है ये वाले सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए सबसे ऊंचा उनका नाम चल रहा है, पैट कमिंग्स का, अब देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है। फिलहाल तो ये 2022 का देख लेते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो कि पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दिया जाता है, वो दिया गया किसको? बाबर आजम को। ठीक, पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम को। उसके बाद सेकेंड है रॉचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये भी आपको याद रखना है कि पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर को सर गारफील्ड ट्रॉफी दी जाती है और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर को रॉचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया जाता है, जो है नेट साइवर को दिया गया। किसको? नेट साइवर को। नेक्स्ट, पुरुष टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर ये दिया गया सूर्य कुमार यादव, जो कि भारत के हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन, ये दक्षिण अफ्रीका के, और महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह। तो जहां पर भारत के हैं वहां पर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गारफील्ड में बाबर आजम, राचेल हीहो, नेट साइवर। ठीक, पुरुष टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव, इमर्जिंग मेन्स में दक्षिण अफ्रीका के मार्को जॉनसन, और महिला में जो है इमर्जिंग प्लेयर रेणुका सिंह जो है भारत की प्लेयर है। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर जो उभरते हुए सितारे हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? यह भी एक प्रकार का एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, डायमंड लीग। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 2023 का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने जीता है, 88.767 मीटर के ब्रेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीता है। हालांकि उसका रिकॉर्ड 90 मीटर है, उनको तोड़ने का लगातार प्रयास जारी है उनका, और निश्चित तौर पे एक ना दिन वो तोड़ ही देंगे। ठीक है, कहां पे आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कतर में, वेन्यू जो है वो दोहा की राजधानी, सॉरी कतर की राजधानी दोहा। ठीक, नेक्स्ट, राजधानी नहीं है सॉरी, कतर के दोहा में फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा था हमने किसके बारे में, महिला के बारे में, और ये है पुरुषों का। ठीक, तो ध्यान रखना, इस समय पर इतिहास रच दिया है फ्रांस ने इसको जीत करके, लगभग 36 साल बाद इन्होंने कप जीता है। माराडोना जो इनके सबसे बेस्ट प्लेयर रहे थे आज तक के, उनके बाद मेसी जो है इनको खिताब दिलाने में जो है सफल रहे हैं। इस साल पूरा जो साल रहा है वो मेसी को समर्पित रहा है। ठीक, तो अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट आउट में फ्रांस को 4-2 से हराया, काफ़ी कड़ी टक्कर चल रही थी, आखिर तक कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक, और यहाँ पर आखिर में जो है 4-2 से इनको हरा करके 36 साल बाद अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। किसने? अर्जेंटीना ने। ठीक, इसका शुभंकर था लाइब
ये है लाइब, ठीक, लाइब मस्कट। और आधिकारिक मैच का जो गेंद का नाम था वो था अल रिहला, अल रिहला, ठीक है, यूएई में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में, और इसको जीता है फ्रांस ने। चलिए आगे देखते हैं, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। ये अधिकतर जो अवार्ड है ये वाला वो एथलीट्स को ही मिलता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम है कि किसी अन्य खेल वालों को मिले। तो ध्यान रखना यहाँ पर लियोनल मेसी को ये खिताब इस साल मिला है, ठीक, लियोनल मेसी को। और ऑफ द ईयर का खिताब जीता है शेली एंड फ्रेजर जो कि जमैका की क्या है, धावक है, एक रनर है, ठीक है। तो पुरुषों में लियोनल मेसी और महिलाओं में शेली एंड फ्रेजर जमैका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर विजेता अनफॉर्चुनेटली मैग्नस कार्लसन है और भारत के प्रज्ञानंद को, आर प्रज्ञानंद को हरा करके, इनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं, उनको हरा करके यह उन्होंने खिताब जीता है, ठीक है, बड़ी कांटे की टक्कर थी। खैर अभी उपविजेता है, आगे ग्रैंड स्लैम तो एक ना एक उनको जीतना ही है, ठीक है। मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंद को हरा करके खिताब जीता है, ठीक। चलिए आयोजन स्थल कहाँ पर है, बाकू, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिए, विनर और रनर अप का काफी है। नेक्स्ट, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखना इसको भी जीता है भारत ने, ठीक है, किसने जीता है, भारत ने। और इन्होंने किसको हराया था, लेबनन को, तो लेबनन को 2-0 से हरा करके भारत ने खिताब जीता है। आयोजन स्थल भुवनेश्वर, भारत में हुआ था ये, ठीक है, और ये थर्ड संस्करण था इंटर कॉन्टिनेंटल कप का, ठीक। तो विजेता है भारत, लेबनान है उपविजेता, वेन्यू है भारत। नेक्स्ट, आईसीसी विश्व कप विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का खिताब जीता है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने फिर से भारत को हरा करके। तो दोनों खिताब मुख्य हरा करके इन्होंने लिया है, खैर बदला तो हम लेंगे कभी ना कभी। उपविजेता भारत, स्थल कहाँ पे, ओवल इंग्लैंड में ये हुआ था फाइनल, दूसरा संस्करण रहा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे इवेंट आप याद भी रखिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इसके आसपास की और चीज़ें आपके काम की हो सकती है हमारे बताने के अलावा, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब जब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, है ना, मतलब ये इतने अच्छे से हो जाए कि इसके अंदर का जो हम क्वेश्चन आ जाए उसको आपसे ना छूटे, इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप उसको फिर ऐड कर सकते हैं। खैर आगे देखते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 सुपर 100 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा ये जीता है किरण जॉर्ज जो कि भारत के हैं, ठीक। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर 2023 सुपर 100 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो किरण जॉर्ज जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा मार्को बेजेची जो कि इटली के रहने वाले हैं, और जो उनकी कंपनी जिसकी गाड़ी वो चलाते हैं वो है डुकाटी, ठीक है, डुकाटी एक बड़ी कंपनी है, ठीक, तो वो उन्होंने जीता है। और आयोजन स्थल है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, नोएडा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भारत में भी एक ही सर्किट है, बुद्ध सर्किट, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, नोएडा, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो ये इवेंट वैसे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि ये भारत में हुआ था और भारत का ही है, पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्को बेचेची इटली के हैं, डुकाटी का, याद रखना नाम। नेक्स्ट, स्पेनिश लीग ला लीगा 2023, ये एक प्रकार का फुटबॉल लीग है, स्पेनिश फुटबॉल लीग, जिसका नाम है ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखना इसको जीता है बारसी, ठीक, ठीक है, चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का आ जाता है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023, यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि एशियन या फिर इंटरनेशनल कबड्डी में कहीं पे भी नाम हो तो एक ही नाम आता है, वो है भारत का। कबड्डी का जन्म भी माना जाता है भारत में हुआ था, और आज तक जितने भी इवेंट हुए होंगे वो सब में लगभग भारत ने ही खिताब जीता है। तो इसको भी किसने जीता है, भारत ने
और अधिकतर जगह पर ईरान ही क्या होता है, भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी होता है जिसको हराकर भारत जीतता है। तो कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने ईरान को हराया 44-32 के स्कोर पर, ठीक, और यह आयोजित हुआ था दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का जो है पद है वो किसको मिला है, तो ध्यान रखना आदित्य सामंत कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, आदित्य सामंत, ठीक। ग्रैंड मास्टर एक पर्टिकुलर कुछ उसमें इवेंट होते हैं चेस वाले इवेंट में, और कुछ कुछ अंक वहाँ पर बताए जाते हैं, इसका पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसका हमको जानना उतना ज़रूरी नहीं है, तो बस ध्यान रखना नाम आदित्य सामंत महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने यह खिताब नहीं है, एक ओहदा है एक मान के करिए, जिसको इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज, तो ध्यान रखिएगा भवानी देवी जो है भारत की एक बहुत प्रसिद्ध तलवारबाज है, जिनका नाम लगभग सारी तलवारबाजी वाले इवेंट में आता है, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। तो तलवारबाजी में जहाँ पे भी कुछ भी होता है तो भवानी देवी का ही नाम आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता इन्होंने, भवानी देवी, ठीक। चले लास्ट, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2023, ठीक है, पैरा वाला है, ठीक, पैरा वाला का मतलब हैंडीकैप्ड वाला। तो पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज कौन बनी है, ये इनके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी ये सटीक निशाना लगाती है, ठीक है, लोग अपने में बुराई ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के कृत्य कर देते हैं कि जिनके पास सारी चीज़ें होती है वो लोग भी फेल हो जाते हैं। तो याद रखिएगा शीतल देवी बहुत बड़ा नाम है, हाल ही में बहुत चर्चा में रही थी और ये लगातार आप देखिएगा किसी ना किसी पेपर में आएगा, ठीक है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और ये जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, प्लजेन चेक गणराज्य में हुआ था, जहां पर इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है, किसने, शीतल देवी ने आर्चरी में, ठीक है। चलिए तो ये अंतिम क्वेश्चन था, और एक चीज अभी हाल ही में जो जुड़ा है वो ध्यान रखिएगा कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दो हमारे यहाँ के बैडमिंटन प्लेयर हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों को ही हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट का मतलब है इन्हीं को मिलने वाला है, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा नाम है, आने ही वाला है क्वेश्चन में। इसके अलावा मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, तो ठीक। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स इवेंट में चल रही है, और कुछ चीज़ें हो सकता है कि अभी और अपडेट हो जाए, लगभग अगले 15 दिन का जो कुछ बड़ा इवेंट होता है तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से एक मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपको कम लगता है या लगता है कि और भी चीज़ें करनी चाहिए तो बिल्कुल आप जो है वो अलग सोर्स पर जा सकते हैं, ठीक, लेकिन तब जाइएगा, मेरा सलाह ये है, जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।